आपकी हाइट कम लग रही है, मॉर्टल की हाइट ज्यादा लग रही है, और आपने ये उसका रीजन दिया था कि मॉर्टल आपके ऊपर चढ़े हुए थे। चलिए सीधे मॉर्टल और डायनेमो से इस बारे में बात करेंगे और उन दोनों का ही स्वागत करेंगे बीजेमआई फ्रीडम फेस ऑफ में। बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ फन सेगमेंट भी हम उनके साथ सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रहेगा। तो मॉडल डायनेमो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने मैचेस बहुत सारे खेले, पहले तो आप बताइए कि ये बीजेमआई फ्रीडम फेस ऑफ आपके लिए कैसे जा रहा है। स्टार्ट विद मॉडल। नहीं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बॉयज के साथ खेलकर। इन लोग का जो चलता रहता है एक्चुअल कम्युनिकेशन, वो तो हार्डली कुछ कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें दैट इज द रियल फन। But like how it feels to be back, like ek bhale fun event hai but wo competitive vibe to aa jata hai and we all miss you in the competitive wala part, so how's the feeling? Amazing, bahut bahut acha lag raha hai, bahut acha feel ho raha hai, matlab it is always fun to be back and aise events hote rehte hain jo inme khelne mein maza to bahut aata hai, you can say that ji, kyunki wahi cheez refresh ho jati hai mere liye jo pehle thi, ek competitive vibe rehna ji, and matlab even though it's a fun event but I'm pretty sure जीतने के लिए तो हर कोई खेल रहा है। जी हाँ, और डायनेमो आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपका कैसे एक्सपीरियंस था इतने मैच आपने खेले, और इवेंचुअली तो हम देख रहे हैं कि गेम प्ले भी वो एक मैच बस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बाकी मैचों से काफी बढ़िया गए आपके। हाँ, मतलब काफी फन इवेंट है, काफी मजा आ रहा है खेलने में। जैसे कि मॉर्टल ने कहा कि यूजुअली जो हम सारे गेम्स खेलते रहते हैं नॉर्मल क्लासिक मैचेस है कुछ और चीज है, इसमें एक अलग सीन है, कोई टैंक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रॉकेट लॉन्चर से फोड़ रहा है एक दूसरे को, तो वो एक अलग ही है, बाकी तो वही है, चल रहा है बस, अच्छा चल रहा है। बट देन लाइक क्या क्या अलग मजा है आपको? जी हाँ, मॉर्टल बताइए। पेलोड का ना अलग से रैंक सिस्टम होना चाहिए, बहुत कॉम्पिटिटिव, लेकिन मतलब इट्स वेरी स्ट्रेटेजिकल ये भी, लाइक यूजिंग ऑल दीज आर्टिलरीज, चाहे वो जेट हो, ड्रोन हो या टैंक हो, ये सब यूज करना इज ऑल्सो लाइक, अगर इसमें सब लोग प्रैक्टिस करें बहुत बहुत कुछ वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं लोग। Right. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जेट ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आई गेस बहुत कम लोग जेट यूज कर पा रहे हैं। पहले मैच में स्काउट के साथ जो हुआ उसके बाद जेट सब बंद कर दिए, वो कुछ ज्यादा बुरा हो गया हेलीकॉप्टर से जेट के ऊपर थोड़ा सेकंड मैच में। लेकिन अभी ना हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट इफ अगर पेलोड मोड पे ही एक ऑफिशियल टूर्नामेंट हो जाए प्रॉपर, ऐसा होगा नहीं बट व्हाट इफ ऐसा हो जाए, तो डायनेमो आपने बहुत ही करीब से देखा है ये पूरा कॉम्पिटिटिव साइड, मॉर्टल आप रहे हैं इसमें, मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा कि अगर सच में ऐसा होता है व्हाट डू यू थिंक कि क्या चेंजेस होंगे और क्या कुछ अलग लेवल का मजा आएगा उसमें? आई गेस जब आप बहुत ज्यादा कुछ अलग मैचेस खेल रहे हैं उसमें अगर आपको दो मैचेस या तीन मैचेस पेलोड खेलने मिल रहे हैं, तो आई गेस पूरा अलग ही माइंडसेट होगा वो लोगों का खेलने के लिए पेलोड, बिकॉज यूजुअली आपका माइंडसेट अलग होता है कि यहाँ से रोटेशन करना है, यू नो यहाँ पे फ्लैंक करना है, यहाँ से किसी को मारना है वरना जो भी रहता है, बट पेलोड इज लाइक कि आपको बहुत चीजें देखनी है, कोई आप पे लॉक इन तो नहीं कर रहा है या आपका टैंक सेफ है या नहीं है, आई डोंट नो कैसा रहेगा बट मजा बहुत रहेगा। रहन दो, वो उधर कॉम्पी में मत लेके जाओ, हमारे लिए सही है। हम ऐसे फन इवेंट्स लेके आओ, हम लोग खेलेंगे उसमें कॉम्पिटिटिवली एकदम। चलिए आप दोनों की बात को ही कंसिडर किया जाएगा इस चीज के लिए, और ऐसा कोई इवेंट होगा नहीं जहाँ पे हमें पेलोड मोड देखने को मिले प्रॉपर कॉम्पिटिटिव, बट अभी के लिए आप दोनों के बीच में हम एक भिड़ंत जरूर करवाना चाहेंगे। मुझे लगता है आप दोनों ही लोगों ने वो चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला गेम तो खेला ही होगा बचपन में, राइट? हाँ? तो आपके पास एक मौका है कि आप 10,000 रुपए की धनराशि को अपना बना सकते हैं, तो हम एक बेसिक चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला गेम खेलेंगे जिसमें आपको हाथ उठाना है, जो चीज उड़ सकती है उसके लिए आप हाथ उठाएंगे और जो चीज नहीं उड़ सकती उसके लिए आपको हाथ नीचे रखना है, और जो जीतेगा वो जीत जाएगा 10,000 रुपए। पर मैं मेजी आपसे जरूर अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि आप भी उधर साइड गई है कि आप चिड़ियाएं उड़ाएं, क्योंकि बचपन में मैंने तो आपने बहुत उड़ाई है, तो जी आपको मैं स्टेज देता हूँ, बताइए। चिड़िया मतलब मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ, कुछ भी उड़ा सकते हैं आप, और उन लोगों को फिर देख के उड़ाना, और जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? वो टाइम गैप नहीं आना चाहिए। रेडी 3 2 डायनेमो आप भी ऊपर करेंगे। जी हाँ, 3 2 1 तोता उड़, मैना उड़, भगवान डिले में, कौवा उड़, गाय उड़, ये स्लो हो गया, नोवा की बारी, नोवा आपकी बारी आती, चलिए। मैका उड़ उड़ सकता है यार, मैका मैका, चलो चलो नहीं एग्जैक्टली इतना नहीं उड़ सकता ना, उसकी लिमिट है यार, वो गिर जाता है। चलिए चलिए अभी फ्लाई करता हूं। चलिए ठीक है डायनेमो, मैं पूरी तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो अब हमने गेम को थोड़ा चेंज कर दिया है, जो पहले 3 पॉइंट्स जीत जाएगा उसको जीता हुआ घोषित कर देंगे, तो वी विल गिव 1 to मॉर्टल, और अब यहां से 3 पॉइंट्स पे जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा 10,000 की धनराशि। जी उड़ाइए, आप कंटिन्यू करिए, उड़ाइए। जेट उड़, हेलीकॉप्टर उड़, स्कूटर उड़, ठीक है निंजा जॉर्ड आपको अब हम स्टेज सौंपते हैं। जी निंजा,
शेर उड़ जेट पैक उड़ डिले के वजह से हो रही रहा है रे डिले हो रहा है ना निंजा भाई आप कुछ नहीं उड़ा पाओगे मुझे लगता है कि आप मुझे सीन टेक ओवर करना पड़ेगा ठीक है गाइस आर यू गाइस रेडी ओके बतख उड़ पीकॉक उड़ ए वो बतख नहीं उड़ाया बतख उड़ता है उड़ता है उड़ता है बतख उड़ता है हां 1 1 ठीक है चलो 1 1 1 1 वो सफेद रंग की होती है ना जो वैसे पानी में दिखती है 1 1 चलिए 2 मोर पॉइंट्स टू गो तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं या मेजी आप स्टार्ट कीजिए मेरा तो हो गया तो हम ऐसे उड़ाते हैं बतख को उड़ाने के बाद आपको छुड़ाइए चलिए सारस उड़ इतनी हिंदी नहीं आती होगी भाई आप सारस तो नॉर्मल पक्षी है अच्छा ठीक है सारस क्या है सारस ठीक है जैसा भी है जी मोर उड़ भाई इतने लेट में उड़ा रहे या तो डिले पे उड़ रहे हम लोग डिले डिले यार डिले 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 पे उड़ रहे हैं ना हम दोनों सेम टाइम पे उड़ा रहे सही बात ठीक है सुपरमैन बैटमैन मॉर्टल ने नहीं उड़ाया मॉर्टल लेट रहे मॉर्टल लेट वे लेट वे लेट वे लेट वे आप लेट वे 2-1 चलिए डायनामो इज विनिंग बैटमैन कहां उड़ता है बी द डिसाइडर राउंड गाइस हां बी द डिसाइडर राउंड मॉर्टल यू नीड टू गेट अप लेट्स गो सोचने दीजिए थोड़ा सा बैटमैन कब से उड़ने लगा हाँ रुको एंटमैन उड़ मेरे को अच्छा अरे भाई एंटमैन उड़ सकता है क्या मतलब वो भी तो देखने वाली बात होगी नहीं उड़ता नहीं होता इसलिए मैं देखा बड़ा होता है स्मार्ट स्मार्ट ठीक है बड़ा होता है वो कौन उड़ता है बैटमैन कहाँ उड़ता है हल्क उड़ क्या हल्क भी नहीं उड़ता जब स्टार्ट हो चुकी है उड़ सकता है हल्क जंप नहीं होता उड़ता है बैटमैन किसके लिए अरे भाई तो फिर तो कांगारू भी उड़ सकता है प्लेन में बिठा दो बेंचो आपको कुछ उड़ाना है लास्ट पॉइंट क्या उड़ाओगे इट्स अ 2-2 और प्लेन में बिठा दो बेंचो फिर तो गाड़ी उड़ गाड़ी को बिठा दो प्लेन में सुपर गर्ल उड़ मेसी भाई उड़ हां और आयरन मैन उड़ दोनों साथ ये तो फिर भी ठीक है स्पाइडरमैन उड़ आयरन मैन भी अरे उड़ता है स्पाइडरमैन वेब है उसके पास उड़ता थोड़ी ना वो लिमिटेड था ना वो पहले वाले के पास तो उड़ सकता था कभी भी कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं निंजा आप एक बार और ट्राई करना चाहेंगे स्पाइडरमैन उड़ पीकॉक उड़ मैंने बोला मॉर्टल लेट हो गया मॉर्टल लेट हो गया मॉर्टल लेट हो गया अरे मॉर्टल लेट उड़ा है सेम टाइम पे सेम टाइम पे चलो ठीक है अभी से ना लेट भी अगर करेंगे तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं ठीक है चलो डन डन स्टार्ट करो हां ओके सांप उड़ तू खुद क्यों उड़ा रहा है अरे तो भाई मैं हां वो है ठीक है बोल ठीक है चलो आगे चलो हां और कोई पक्षी है जो उड़ता है भाई आप थोड़ा विश्राम करो फिर अब मैं संभालता हूं ठीक है दादा स्टार्ट है ठीक है मोर उड़ कौवा उड़ तोता उड़ यही खत्म होगा चलो चलो फिर से एक साथ ठीक है 3-2-1 गो कौवा उड़ मोर उड़ पक्षी उड़ सारस उड़ हंस उड़ मोर उड़ गाय उड़ाए मॉर्टल को 10,000 के लिए लड़वा रहे हो क्या कर रहे हो अब अगर हम ऐसा सैंड स्टिल पे आ गए तो हम एक टंग ट्विस्टर कर लेते हैं अरे दे दो भाई दे दो कौन सही से बोल रहा है कौन सही से नहीं बोल पा रहे बहुत कुछ उड़ाने वाली चीज 7 मिलियन और 10 मिलियन को 10,000 के लिए लड़वा रहे हमको दे दो 10,000 ऑफर करो इधर ये खिड़कियां खुद उड़ जाऊंगा भैंचोद सॉर्टेड है आप दोनों को पता है वाला हे भगवान चल रहे हैं 1 घंटे से चले जा रहे हैं क्या है फिर से बोलना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़कता है खड़क सिंह ये आप लोग को बोलना है पहले डायनामो हम आपसे स्टार्ट करते हैं चलिए मोर्टल और डायनामो 10,000 के लिए लड़ रहे मेरे को बताओ खड़क से खड़कती है खिड़कियां खिड़कियों से खड़क से खड़कता है खड़क सिंह
खड़क सिंह के खड़क से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों से खड़क से खड़कता खड़क सिंह, खड़क सिंह से खड़क से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों से खड़क से खड़कता खड़क सिंह। तीनों बार गलत बोला, ठीक है, तीनों बार गलत बोला रे, तीनों बारों में डायनामो आपने दो जगह गलतियां की है, वो हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्टल अब आपकी बारी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, एक गलती किया मैंने, गलतियां हुई यहाँ पे भी, दो तीन गलतियां हुई, लेकिन देखिए मैं मेरे से ले लो, मेरे से ले लो यार, सारी जो कंसिडर किया जाएगा डायनामो भाई, मैं आपके साथ, अब होगी वोटिंग, अब यहाँ पे वोटिंग सेगमेंट हमारा आएगा, तीन धुरंधर हमारे पास मौजूद है, जो दो वोट किसी एक के पास जाएंगे वो जीत जाएगा, सो वील स्टार्ट विद निंजा जॉर्ड। निंजा जो जल्दी बताइए, और यहाँ पे वो बायसनेस देख ले निंजा। ओके, मैं मॉर्टल में क्या जाना चाहूंगा, खैर आप बताइए। एक्चुअली मैं रीजनिंग दूंगा अपनी, क्यों मॉर्टल को सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्यों मॉर्टल को सिलेक्ट करने वाला हूँ। एक मेजर रीजन ये है कि दो बार उसने बिल्कुल परफेक्ट बोला, थर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक किया, ठीक है, एंड डायनामो के में तीनों बार में इवन दो फास्ट बोला, तीनों बार में स्लाइट मिस्टेक थी। नोवा के कोई इसके बारे में बुलाएंगे, तानसेन हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने शब्दों की, जी आप बताइए, फर्क ही नहीं पड़ता दो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, स्मार्ट, सी व्हाट आई डिड देयर, बट ठीक है, इसके साथ मॉर्टल आप जीत चुके हैं 10,000 रुपए की धनराशि, एंड डायनामो भाई अगर मेरे पास वोट देने का अपॉर्चुनिटी होता तो मैं जरूर आपको देता, बट वो मेरे हाथ में था नहीं। बट देन ओवरऑल मैं जानना चाहता हूँ आप लोग से कि अभी आपने ये जो पेलोड मोड खेला, इसके बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहें जनता को कि क्यों ये जो मोड है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप गेमिंग पर नॉर्मल गेमिंग पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर अगर कॉम्पी की बात करें वहां पे भी आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मतलब बहुत फन तो है, देखिए चाहे आप नॉर्मल खेलो, इवेंट वाला खेलो, पेलोड खेलो, हाँ, मतलब खेलो, मेरे को लगता है अभी और ये थोड़ा गेम आ गया जैसे जो जनता में और उत्सुकता लाई ना, वो होगा कि अगर इन गेम रैंकिंग सिस्टम आ गई ना पेलोड की, तो वहां पे एक अलग ही एक टेबल बन रहा होगा, एक अलग ही लैडर बन रहा होगा, लोग रैंक पुश कर रहे होंगे इन पेलोड एंड मतलब ऑब्वियसली दोनों जगह होंगे, फिर दैट वुड बी फन, बट आई एम प्रीटी श्योर जनता को पसंद आया है ये वाला मोड, क्योंकि मैं देख रहा था रिस्पॉन्स काफी एंजॉय किया, 5 घंटे का स्ट्रीम ऑलरेडी हो गया, एक मैच अभी और बचा है, सबसे बड़ा हाईलाइट जो मेरे लिए था वो नहीं पाएगा, वो था कि हेलीकॉप्टर से जो रॉकेट चला के जेट को मारा था, दैट वाज मतलब इनसेन, एंड काफी कुछ पता भी चल रहा है, जैसे लास्ट मैच में हम लोग चारों टैंक में बैठे और मेरे को ये बात नहीं पता कि चौथा बंदा जो है वो ऊपर रहता है, तो मुझे रास्ते में ही उतार दिया सबसे पहले, और जोकर ने पैनिक में सीट चेंज किया और वो ऊपर आ गया, तो लाइक इट्स ओनली अ 3-सीटर टैंक एंड फोर्थ वाला बंदा ओपन में रहता है, काफी कुछ नया नया चीज समझ भी आ रहा है, पता चल रहा है, एंड इट इज फन टू एक्सप्लोर मेरे हिसाब से। रॉक पेपर किल थंब फाइट है अभी, अगले ऑफिशियल में थंब फाइट है, बहुत हो गया है, मैं टीडीएम खेलना और नॉर्मल क्लास खेलना, कुछ नया भी ट्राई करो, बहुत चीजें हैं, पेलोड में ही बहुत है, वाओ मोड से बहुत, हर अपडेट में बहुत नई नई चीजें आती रहती है, वाओ में नए नए मैप्स आते रहते हैं, तो इसके कोड्स वगैरह आपको इजीली मिल ही जाएंगे, तो ट्राई करो, उसमें आप एम ट्रेस कर सकते हो, एक 2v2 अभी चलने वाला है, वो भी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑन द वेरी बेस्ट कल के दिन के लिए, क्योंकि आप दोनों की जो टीम्स है वो क्वालिफाई हो गई, और कल के दिन और भी ज्यादा मजे करेंगे, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू, मैं भूल गया कि वाओ मोड अभी बचा है, जी हाँ, एक आखिरी जो वाओ मोड